प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज रिबन चकली बनाएंगे। रिबन चकली बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, 4 ग्लास चावल का आटा लिया है, 1 ग्लास बुगरे का आटा इसमें डाल रही हूँ, 1 ग्लास बेसन डाल रही हूँ, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी लाल मिर्ची पाउडर, 2 स्पून खसखस, 50 ग्राम्स तेल गरम करने रखेंगे, 50 ग्राम्स तेल, 1 स्पून इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल गरम होने तक इस मशीन को ग्रीस कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, ये गरम तेल इसी आटे में डाल रही हूँ। इसको 1 स्पून से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि तेल गरम है ना, इसलिए हाथ नहीं डाल सकते हैं, इसलिए स्पून से इसको मिक्स करेंगे पहले, फिर हाथ से अच्छी तरह से इस तेल को मिक्स करेंगे। देखिए ऐसा। अभी हींग को पानी में पिघला के डालेंगे, वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी पानी डाल के इस आटे को गूंद लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंद लेंगे। देखिए अच्छी तरह से आटा गूंद गया है। अभी इसको सिलेंडर शेप करके मशीन में डाल रही हूँ। देखिए ऐसा। ये मशीन को बंद करके अभी तेल गरम रखा है, उस गरम तेल में जैसे हम मुरमुरा करते हैं ना, उसी तरह से डायरेक्ट तेल में ही इसको डालेंगे। देखिए ऐसा। अभी इसको पलटाएंगे। देखिए सारा बबल्स कम हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। देखिए यही इसकी निशानी है। अभी ये रेडी हो गया है, इसको अभी निकाल देंगे। मैं और एक बार डालने का दिखाऊंगी। देखिए ऐसा। उल्टा करेंगे, लाइट ब्राउन कलर आने से, निकाल देने से अच्छा रहेगा। देखिए ये भी पक गया है, और जो भी आटा बचा है उसको भी ऐसा ही तल लेंगे। देखिए रिबन चकली रेडी हो गया है, इसको सर्विंग बाउल में निकाली हूँ। रिबन चकली रेडी।